हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2023 का कैट प्रोसेस अब आज से स्टार्ट होने वाला है। आज से आप अपना जो है फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो, अपने प्रेफरेंस जो है कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करके, और फिर आप कॉलेज को है जो आप कॉलेज की लिस्ट रेडी करके कॉलेज डाल सकते हो ऑप्शन फॉर्म में, और फिर इसी के बेसिस पे आपको 3 दिन के बाद कॉलेज अलॉट हो जाएगा और फिर आप जा करके एडमिशन ले सकते हो। तो वो तो रही ऑप्शन फॉर्म की बात है। आज हम डिस्कस करने वाले जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है और एक सीट मैट्रिक्स आई है, तो कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, TFWS के लिए कितनी सीट्स है, माइनॉरिटी के लिए कितनी सीट्स है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंसेस आया, कितने स्टूडेंट्स बढ़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को सामने दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी जो है आप लोगों को पूरा क्लियरिटी मिलेगी और पूरे अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और यार एक लाइक तो बनता ही है। और आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट रेडी नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे फिल करो और हमसे डायरेक्टली जुड़ो, प्रेफरेंस लिस्ट बनवाओ और जो है आप ऑफिशियल ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनल मेरिट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था जो आज से 2-3 दिन पहले आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शो हो रहा था। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये देखिए, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे 15,408, यानी कि 15,408 स्टूडेंट थे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। और फाइनल मेरिट लिस्ट में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था तो उसमें से बोला भी था कि 100-200 स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, हर एक साल करते हैं, इस साल भी करेंगे, और सेम उसी तरीके से हुआ। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका 14,490, मतलब कि 100 बच्चे अप्रॉक्स 100 बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं इस साल। तो 100 बच्चे इंक्रीज हुए इस साल, तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों का जो रैंक है वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे गया होगा। 10 बच्चे 20 बच्चे जिस हिसाब से बच्चे वहाँ पे फिट बैठे होंगे उसके बेसिस पे जो आपका रैंक भी नीचे गया होगा थोड़ा बहुत। तो बहुत ही अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आएगा ही। टॉप के जो कॉलेजेस हैं उसमें अगर रैंक आपकी थोड़ी सी ठीक थी तो थोड़ा सा नीचे चला गया होगा, तो सीट मिलने के चांसेस थोड़ा सा कम हो गया। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट में। और हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स में मैं आपको पूरा क्लियरिटी से समझा देता हूँ कि क्या होती है, कैसे कैसे जो आप लोग इसे फिल कर सकते हो। तो ये देखो, जैसा कि मैंने बताया था, TFWS के लिए अलग चॉइस कोड होता है। तो ये देखो, TFWS के लिए अगर आप लोग अप्लाई किए होंगे तो जैसे कि आप जैसे फॉर्म ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, तो मैं एक वीडियो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, वो बताऊँगा। और TFWS के लिए भी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रेडी करनी है, कैसे बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है मैं एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ लाऊँगा, उसके बाद ही जो है आप लोग फॉर्म फिल करना एक बार देख लेना, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये देखिए, TFWS के लिए अलग से चॉइस कोड होता है, उसमें लास्ट में आपको टी देखने को मिलेगा। ये देखो, कोई भी कॉलेज का चॉइस कोड ये होता है, और अगर TFWS की सीट्स है उसमें तो फिर लास्ट में टी लग जाएगा। तो ये हुई चॉइस कोड। जब आप मान लो कि प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर रहे हो तो ये डॉक्टर BAM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट आप अपने प्रेफरेंस में रखें, तो प्रेफरेंस में जैसे ही रखें तो ये TFWS के लिए भी अलग से आएगा, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आपको कॉलेज जो है दो दो बार दिखेंगे आपके प्रेफरेंस लिस्ट में। तो ये कन्फ्यूज़ मत होना कि एक ही कॉलेज दो दो बार क्यों आ रहे, एक ही कॉलेज दो दो बार इसलिए आ रहे कि आप लोग ने TFWS की सीट के लिए अप्लाई किए कर रखा है, इसलिए आपको एक एक कॉलेज को दो दो बार शो हो रहा है। तो ये रही सीट मैट्रिक्स। तो अब इसमें से देखो क्या होता है, देखो फिर आपका आ जाएगा, देखो कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया की सीट्स कहाँगी, ऑल इंडिया की सीट्स है देखो 9 सीट्स है टोटल, जो है इसमें 60 सीट्स है, कैप सीट्स से 60 है, फिर महाराष्ट्र के लिए जो है आपका 51 सीट्स है, और ऑल इंडिया मतलब कि अदर देन महाराष्ट्र के लिए ओनली 9 सीट्स है, माइनॉरिटी की इसमें कोई सीट्स नहीं है, इंस्टीट्यूट के लिए इसमें कोई सीट्स नहीं है, ऑर्फन के लिए 1 सीट्स है। और इसमें भी देखो, होम यूनिवर्सिटी ओपन के लिए 18 सीट्स है, और SC के 6, और फिर ST3 विजिट जो NTA 1 होते हैं उसके लिए 1, NTB के लिए 1, NTC के लिए C। तो ये देखो, रिजर्व सीट्स 1 रहती है। तो ये सब से आप कंफ्यूज मत होना, ऑल इंडिया की सीट जो आपको MS वाले को नहीं मिल सकती, MS वाली सीट्स आपको ऑल इंडिया की सीट्स नहीं मिल सकती। तो और देखो, होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ये तो हो गया। अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ सीट मैट्रिक्सेस, एक गवर्नमेंट कॉलेज का या फिर आपका माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस की भी सीट्स दिखा देता हूँ। इसमें भी माइनॉरिटी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो माइनॉरिटी जो ठाकुर कॉलेज है वो देखो,
ये देखो ठाकुर कॉलेज की सीट्स आ गई। देखो इसमें माइनॉरिटी कॉलेज माइनॉरिटी हिंद, और जब आप सेलेक्ट करोगे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, कौन कौन से जो आपको सीट्स चाहिए, माइनॉरिटी चाहिए, अनएडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, तो आप सब में ऑल कर देना। जब फॉर्म फिल होगा तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो ये देखो इसमें टोटल कैप के सीट्स जो है 144 है, इसमें से माइनॉरिटी की 92 सीट्स है, हिंदी माइनॉरिटी ये कॉलेजेस है, और 92 सीट सिर्फ माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी की कट ऑफ भी बहुत ही कम जाती है। तो माइनॉरिटी पे मैंने एक वीडियो बना रखा है नीचे, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आप ये कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, आप आराम से इसमें एडमिशन हो जाएगा। देखो टोटल 180 सीट्स है कैप के थ्रू, आपको 144 कैप के थ्रू होगा, टोटल 180 सीट्स है महाराष्ट्र के लिए, 44 है ऑल इंडिया के लिए, फिर आपका ए जो है 8 सीट्स है, माइनॉरिटी सीट्स 92 है, इंस्टीट्यूट सीट्स 36 है, मतलब कि अलग से वो बाद में फोर्थ वाला होता है। फिर देखो होम यूनिवर्सिटी 31, एससी के लिए एक भी सीट्स नहीं, माइनॉरिटी कॉलेज है तो एससी एसटी ये सब कैटेगरी मैटर ही नहीं करता, कोई भी जो भी माइनॉरिटी कॉलेज होगा उसमें एससी एसटी की सीट्स होती ही नहीं है, तो वो आपको मिलेगा भी नहीं, आपको ऑल इंडिया ओपन की सीट्स मिलेगी, और फिर जो है आपका ऑल इंडिया वाली सीट्स ही वहाँ पर शो होती हुई दिखेगी। फिर देखो यहाँ पे मैं हेरे कॉलेज की भी बात करूँ तो हेरे कॉलेज का टोटल 120 है, कैप के थ्रू 96 है, फिर महाराष्ट्र के लिए 78, ऑल इंडिया के लिए 18 सीट्स है। तो इसी तरीके से आपका सीट मैट्रिक्स आ गया, तो आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें से दो कॉलेज और ऐड हुए हैं इस साल, तो वो कौन से कॉलेज है नीचे आप लोग एक बार जा करके देख लेना और आपको पता चल जाएगा, और इससे सीट से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, और जो ऑल इंडिया की रैंक आई है मतलब स्टेट रैंक आई है, TFWS की रैंक आई है, फिर जनरल स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट की रैंक आई है, फीमेल की जनरल मेरिट लिस्ट आई है, तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स थी, ये प्रोविजनल लिस्ट थी, और ये फाइनल मेरिट लिस्ट का मैंने डिफरेंसेस भी बता दिया कि 100 बच्चे जो इंक्रीज हुए हैं तो थोड़ा बहुत आपका रैंक नीचे आया होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता, वास्ट डिफरेंसेस नहीं आता। तो बस आप लोग अब ऑप्शन फॉर्म फिल करो, अपने कॉलेज की लिस्ट नहीं रेडी की हो तो रेडी कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसे फिल करो, और जो है आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, और फिर आप अपना ऑप्शन फॉर्म को अच्छे से फिल करना, और जो है 2 से 3 दिन के बाद फिर आपका जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जैसे ही ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होता है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा, और फिर आप लोग आराम से उसे देख करके फिल कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।